से मन का नाता छोड़ चले हैं, मीठी मीठी यादें ओढ़ चले हैं। जाते हुए हमको लगता है यूं जैसे कुछ अपना यहाँ छोड़ चले हैं। लगती है एक वो लाखों में, बस गई भैया की आंखों में। लगती है एक वो लाखों में, बस गई भैया की आंखों में। सपने मन में यही ठाना है, सपने मन में यही ठाना है, उसे अब तो बना कर लाना है। मुझे ममता अपनी भाभी के रूप में चाहिए। कुछ कहने से पहले सिर्फ मेरी बात सुनिए भैया। आपने हमें बहुत प्यार दिया है, बाबा की कमी कभी महसूस होने नहीं दी, लेकिन माँ का प्यार तो सिर्फ एक औरत दे सकती है ना। और फिर आपकी इज्जत सिर्फ इसलिए है ना कि आप सोचते हैं कि कल को आपकी शादी हो जाएगी तो भाभी हमें उतना प्यार नहीं दे सकेगी कि जितना आपने दिया है। लेकिन आई अश्योर यू भैया, ममता से आपको ऐसी कोई शिकायत नहीं होगी। सुनो मगर तो प्लीज भैया, ममता को मेरी भाभी बना दीजिए प्लीज। मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी, लेकिन प्लीज प्लीज भैया मेरी एक ख्वाहिश पूरी कीजिए। अरे कौन है? मैं हूँ हरिया काका। अरे बिटिया, मालिक नहीं आए? अरे बिटिया, अगर ये सपना हो तो हमको जगाना मत, और अगर ये सच हो तो हमका तेरा चुटकी काटो। ये बहुत ही खूबसूरत सच है हरिया काका, आप जल्दी से जाइए और आरती की थाली लेकर आइए। चलिए ना। अभी ना। क्या है सोनिया की बच्ची, क्यों चिल्ला? भाभी, भाभी, आज से ये तुम्हारा घर है और ये तुम्हारे बच्चे छोटा राम है, ये बड़ा क्षितिज है और ये आप लोगों की भाभी। दाहिने पांव से इसे गिराकर अंदर आओ और घर की मान मर्यादा और इज्जत सब संभालो। घर की लक्ष्मी का घर में स्वागत है। आओ। एक ही दिन में जिंदगी ऐसे बदल जाएगी कभी सोचा भी नहीं था। जब प्रतिभा की शादी के लिए निकला था तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरी अपनी शादी हो जाएगी। भगवान ने अपनी जोड़ी बनाकर रखी थी शायद। ममता, मैं
मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। जी। याद है शादी से पहले मैंने तुमसे वचन लिया था? जी हाँ, आपने वचन लिया था कि मैं अपनी कोख से बच्चों को जन्म नहीं दूंगी। और तुमने वो वचन इतने प्यार और विश्वास के साथ मुझे दिया था कि मैं सोच भी नहीं सकता था। मेरी खुशी आपकी खुशी से अलग नहीं है, मगर मेरे तो पहले से ही बहन भाई हैं, जो मेरी औलाद की तरह हैं। अब वो मेरे भी बच्चे बन चुके। ममता, मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर तुम चाहो तो मां बन सकती हो, क्योंकि अब मुझे यकीन हो गया है कि अपनी औलाद होने के बाद भी तुम राहुल, क्षितिज और सोनिया से उतना ही प्यार करोगे। मां तो मैं बन चुकी हूं, मैं राहुल, सोनिया और क्षितिज की सिर्फ भाभी नहीं, भाभी माँ। अरे वाह हरिया काका, फाइनली आपने पराठे ठीक बना ही दिए। मेरा पराठा भी बहुत अच्छा बना है, बिल्कुल कच्चा नहीं है। अरे हम नहीं, ममता बिटिया बनाए है। अच्छा, क्या बात है राहुल, ये तुम्हारी फ्लॉपी। अरे वो भाभी, आपको कैसे पता लगा कि मुझे सुबह को इन चीजों की जरूरत पड़ती है? अरे हमने बताया, और कौन बताएगा। क्षितिज, ये तुम्हारी टाई। यार ग्रेट भाभी। अरे भाभी, सोनिया कहाँ है? सो रही है? वो तो रेडी होके चली भी गई। अच्छा क्षितिज और राहुल, मुझे तुमसे एक बात करनी है। ये जो तुम मुझे भाभी कह के पुकारते हो ना, इस रिश्ते में बहुत सारा प्यार है, इज्जत है, लेकिन दुनिया में सबसे पाक रिश्ता है माँ और बेटे का। इसलिए मैं चाहती हूँ आप मुझे सिर्फ भाभी नहीं, भाभी माँ कह के पुकारे। आते ही घर को सवार दिया है, शोभा बढ़ा के निखार दिया है, माँ बनने का सपना भूल के उसने ममता लुटाई है, प्यार दिया है। चलो चलो, अब देर नहीं हो रही, ये लो जल्दी 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 चले। ओके भाभी, तुझे भाभी माँ। बाय। ओके भाभी माँ, बाय बाय। बोले इस घर की खुशियां सदा बनाए रखो। चुप चुप जियो बहू, बहू ये लो। ये क्या है? अब इस घर के सुखों की सारी जिम्मेदारी तुम संभाल लो। Yes, Mr. O'Brien, I'll be there in time. Yes, yes. Thank you very much. Okay, bye. Riya, तैयार हो? हाँ मामा। Riya, आज अगर हम Mr. O'Brien के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, तो ये सागर के लिए मुंह तोड़ जवाब होगा। और वैसे भी एक बात हमारे फेवर में है, जिन लोगों को सागर ना पसंद करता है, मिस्टर ओब्राय जरूर पसंद करता है। जानती हूँ मामा, लेकिन क्षितिज इस बात से बहुत गुस्से होगा मामा। रिया, तुम्हारे लिए क्या जरूरी है, क्षितिज या तुम्हारा करियर? दोनों मामा, दोनों। तो दोनों को हैंडल करना सीखो। उठिए ना। क्या वक्त हुआ? 9 बज गए। 9 बज गए? बच्चे तैयार हुए? हाँ, वो तो चले भी गए। कहाँ? अपने अपने काम पर। अच्छा, और अब आप भी रेडी हो जाइए, नहीं तो ऑफिस के 12 बज जाएंगे। इसका मतलब घर में सिर्फ हरिया काका है? वो भी चले गए सब्जी लाने। दीजिए। सिर्फ हम दोनों ही? हाँ, लेकिन अभी आप चाय पी के जल्दी से रेडी हो जाइए और ऑफिस जाइए, मैं नाश्ता लगा। रिया, 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 आज मैं बहुत खुश हूँ। आज जो सरप्राइज मैं तुम्हें देने वाला हूँ, वो सुन के तुम्हें बहुत खुशी होगी। मैं बताती हूँ तुम क्या कहने वाले हो। मिस्टर सागर ने रिया को अपनी एजेंसी में वापस बुला लिया। अरे नहीं आंटी, उससे भी बड़ी खुशी है। आपको पता है भैया ने शादी कर ली है। क्या? यस। अरे
too happy for him. Congratulations. Thank you. अब हमारी शादी की बात कब करोगे अपने बड़े भैया से? No 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 no. अब तो हम भैया से शादी की बात कर ही नहीं सकते. क्यों? क्योंकि अब मैं भाभी से शादी की बात करूंगा. भाभी भैया से, उसके बाद का गणित तो तुम जानती ही हो यार. Anyhow, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूँ. ओके? अरे हाँ, मैं तुम्हें रात को डिनर के लिए पिकअप करता हूँ. परमिशन है? ओके, बाय, टेक केयर. बाय. मिस्टर सागर ने शादी कर ली, ये खबर ओबराय को जरूर देनी होगी. हेलो, अरे कौन है भाई? ममता, इतने गुस्से में क्यों? ओ मैम, मैंने समझा कोई ब्लैंक कॉल है. ओ, तो आपको ब्लैंक कॉल्स भी आते हैं? क्या बात है, बड़े मूड में हो? हाँ, मेरे मूड में होने से क्या फायदा, आप तो गुस्से के मूड में हैं. नहीं जान, वो वर्क प्रेशर, पर दो दिन ऑफिस ना आने से काम इतना बढ़ गया कि लंच करने का भी होश नहीं है, है ना? लंच के लिए तो वक्त है, अभी तो सिर्फ 2 बजे हैं. अरे 2 बज गए, पता ही नहीं चला. अब आप काम को एक तरफ रखिए और खाना खाइए प्लीज. जैसा आपका हुक्म. तो फिर शाम को जल्दी घर आ जाइएगा. तुम कहो तो अभी आ जाऊं. अभी तो आप खाना खाइए और काम निपटा के बाद में. ऑलराइट मैडम, बाय. बाय बाय.